नमस्ते बच्चों, अपर्णा के खिलौनों में आपका स्वागत है। और आज अपर्णा आपके लिए लाई है नानी की कहानी अपर्णा की जुबानी। आपको मालूम है, पहले नानी और दादी जो कहानियाँ सुनाती थी वो बहुत पुराने जमाने की होती थी। आज एक बहुत पुराने जमाने के खजाने से कहानी लेके आई हूँ आपके लिए, और ये कहानी है चूहे की। अच्छा, इसीलिए मालूम आपको, देखो सारे कैरेक्टर छोटे हैं, पर चूहा कितना बड़ा क्यों बनाया? क्योंकि वो हमारा मेन हीरो है, ठीक है ना। और इस कहानी में एक खासियत और है, ये कहानी मैंने बुंदेलखंड में सुनी थी, तो आपको कुछ कुछ बुंदेलखंडी शब्द भी मैं बीच बीच में बताऊंगी और मैं आपको उनका मीनिंग बता दूंगी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बुढ़िया थी, किसी गांव में रहती थी। वो रोज सवेरे जाती और किसी से कुछ मांग के लाती खाती, क्योंकि वो बूढ़ी थी ना, काम नहीं कर सकती थी, जॉब नहीं कर सकती थी। तो जैसे किसी के घर गई, बोली भाई हमको कुछ दे दो, तो इसने उसको कुछ दे दिया। कभी रोटी मिल गई, कभी आटा मिल गया, जो मिलता था बेचारी खा लेती थी और थोड़ा थोड़ा बचा लेती थी। एक दिन क्या हुआ, बूढ़ी अम्मा बीमार पड़ गई। फिर क्या था, एक दिन, दो दिन, तीन दिन बीमारी में ही निकल गए। अब बूढ़ी अम्मा बड़ी परेशान, जो खाना था ना उसके पास वो सब खत्म होता जा रहा था। उसने देखा इतना सा आटा है, आटा निकाला, रोटी बनाने के लिए जब चूल्हा जलाया तो पहले गैस का चूल्हा नहीं होता था, पहले होता था लकड़ी का चूल्हा। अब लकड़ी कहाँ से लाए, वो ढूंढने लगी, कहीं लकड़ी नहीं मिली, और बुखार में बेचारी ढूंढे कैसे। पहले लकड़ी काटने बाहर जंगल में जाना पड़ता था, वहाँ भी नहीं जा सकती थी, बीमार थी ना। तो उसने क्या किया, अपने थोड़े थोड़े बाल तोड़ तोड़ के जलाए कि रोटी बन जाए, पर बाल से क्या आग होती है। वहां पे रहती थी एक चूहिया, इसको बोलते हैं बुंदेलखंड में चुखरिया। कितना प्यारा है ना, तो ये आप वर्ड सीख लो चुखरिया, और बच्चे इसको बोलते थे चुखो रानी। तो हमारी कहानी का नाम भी है चुखो रानी और बुढ़िया रानी, ठीक है। तो चुखरिया ने देखा ये बूढ़ी अम्मा परेशान हो रही है, क्यों ना मैं इसकी हेल्प करूं। तो चुखो गई, कहाँ गई, अल्ल में गई, अल्ल में से दल में गई। अब आप पूछोगे अल्ल क्या है, पुराने घरों में क्या होता था कि दीवार पे एक खिड़की जैसा खोल बनाया जाता था, उसको कहते थे आला, और एक दालान यानी बरामदा होता था, उसको कहते थे दल। तो अल्ल में गई, अल्ल में से दल में गई, क्या करने गई, लकड़ी ढूंढने, क्योंकि बूढ़ी अम्मा अपनी लकड़ियां वहीं रखती थी। तो चुखो ने देखा छोटे 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 लकड़ी के टुकड़े हैं, तो जल्दी से लेके आ गई, और धीरे धीरे चूहिया ने बूढ़ी अम्मा के पास लकड़ी के टुकड़े रख दिए। बूढ़ी अम्मा खुश हो गई, उसने जल्दी से लकड़ी जलाई, उसने दो रोटी बनाई, एक बड़ी रोटी अपने लिए, एक छोटी सी रोटी चूहे के लिए, क्योंकि चूहे ने भी तो मदद की थी ना। अब चूहे ने रोटी ली और गाना गाते गाते मटकते मटकते आगे गई, आगे गई तो देखा एक कुम्हार मटका बना रहा था, पर उसका हाथ जरा धीमे धीमे चल रहा था। उसने कहा क्या बात है कुम्हार भाई, जरा जल्दी जल्दी मटके बनाओ। बोले क्या करें, खाना नहीं मिला है, दो दिन से मेरा कुछ काम नहीं हुआ है, पैसा नहीं है, रोटी नहीं मिली है, मैं क्या करूं, मैं कैसे जल्दी जल्दी मटके बनाऊं। चुखरिया ने कहा कोई बात नहीं, ये लो रोटी। चुखरिया को रोटी मिली थी ना बूढ़ी अम्मा से, जल्दी से रोटी दे दी। कुम्हार ने जल्दी जल्दी रोटी खाई और खटाखट मटके बनाने लगा। अब जब उसके मटके तैयार हुए तो चुखो रानी एक मटके से दूसरे पे, दूसरे से पहले पे। कुमार बोला अरे ये क्या कर रही हो चुखरिया, मेरे मटके फूट जाएंगे। बोली तो क्या करूं, अल्ल गई, अल्ल में से दल गई, दल में से लकड़ी लाई, लकड़ी मैंने बूढ़ी अम्मा को दी, बूढ़ी ने मुझे रोटी दी, क्या तुम मुझे कुछ नहीं दोगे। उसने कहा ओके,
कुम्हार समझ गया इसको तो मटकी चाहिए है। कुम्हार ने एक छोटी सी मटकी थी वो चूहिया को दी और चूहिया फिर और आगे मटकते मटकते गाना गाते गाते चली। वहां उसको मिला एक छोटू सा लड़का रो रहा था। उसने कहा अरे अरे छोटू क्यों रो रहे हो क्या बात है। तो उसने कहा कि ये देखो ये जो लड़का रो रहा है ना इसको दूध पीना है इसको कुछ हेल्प कुछ करो इसको दूध पीने में क्या करूं कैसे करूं। बोले तो निकालो गाय का दूध तुम्हारे पास तो इतनी बड़ी गाय है दूध निकालो पिला दो। बोला क्या करूं गाय तो है पर दूध किस में निकालूं ये देखो इस छोटू ने मटका फोड़ दिया अब मेरे पास कुछ बर्तन ही नहीं है मैं कैसे दूध निकालूं और इसीलिए इसकी पिटाई पड़ी है इसीलिए ये रो भी रहा है। ओ इतनी सी बात है। चूहिया को हंसी आ गई उसके पास तो मटका था ना। उसने जल्दी से अपना मटका ग्वाले को दे दिया। ये कौन है ग्वाला गाय को चराता है गाय का दूध बेचता है ना। तो उसने ग्वाले को दिया मटके में से वो उसने ग्वाले ने जल्दी से मटके में दूध दुहा और थोड़ा सा मक्खन बनाया और छोटू को खिलाया। छोटू चुप। अब चूहिया मक्खन के इधर से घूमे। बोला ग्वाला अरे चूहिए चुखरिया जी तुम क्या कर रही हो ये देखो मक्खन सब खराब हो जाएगा जूठा मत करना। चुखरिया क्या बोली अल गई अल में से दल गई दल में से लकड़ी लाई लकड़ी मैंने बूढ़ी को दी बूढ़ी ने मुझे रोटी दी रोटी मैंने कुम्हार को दी कुम्हार ने मुझे मटका दिया मटका मैंने तुमको दिया तो क्या तुम मुझे कुछ नहीं दोगे। ग्वाला समझ गया उसने थोड़ा सा मक्खन लिया और चूहिए को मक्खन दे दिया। अब ग्वाले से मक्खन लेके चूहिया ने फिर गाना गाया और फिर मटकती मटकती चली आगे। आगे गई तो देखा एक राजा था राजा बैठे बैठे उदास रो रहा था। उसके पास में दो रानियां भी बैठी थी। उसने कहा राजा राजा क्या हुआ तुम क्यों रो रहे हो तुम तो इतने बड़े राजा हो तुमको रोना शोभा नहीं देता। राजा बोला क्या करूं डाकू आए थे सारा मेरा राजपाट का सामान ले गए इतना सोना चांदी अब कुछ नहीं है मेरे पास ये देखो सूखी रोटी रखी है मैंने कभी सूखी रोटी खाई नहीं मैं तो मक्खन रोटी खाता हूँ मैं कहाँ से मक्खन लाऊं मैं तो गरीब हो गया हूँ। चूहिया बोली अरे अरे रोना नहीं ये लो मक्खन। चूहिया के पास मक्खन था ना बस चूहिया ने मक्खन दे दिया कितनी हेल्पिंग थी। राजा ने लिया मक्खन रोटी में लगाया और रानियों को दिया और दोनों जन तीनों जन रोटी और अरे राजा जी उधर देखो रोटी और मक्खन खाने लगे। अब चूहिया कभी इस रानी के पास जाए कभी इस रानी के पास जाए इसके पास जाए। रानी डरने लगी राजा से बोली ये देखो चूहिया चुखरिया हमको तंग कर रही है। राजा बोले अरे चुखरिया तुमने हमारी मदद की ठीक है पर तुम मेरी रानियों को क्यों तंग कर रही हो। चूहिया मुस्कुराई और गाना गाया अल गई अल में से दल गई दल में से लकड़ी लाई लकड़ी मैंने बूढ़ी को दी बूढ़ी ने मुझे रोटी दी रोटी मैंने कुम्हार को दी कुम्हार ने मुझको मटकी दी मटकी मैंने ग्वाले को दी ग्वाले ने मुझे मक्खन दिया मक्खन मैंने आपको दिया। चिक 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 चिक। अब राजा समझ गया इसको तो एक रानी चाहिए। राजा ने कहा भाई देखो रानी इसने हमारी मदद की है क्या आप में से कोई चूहिया के संग जाएंगे क्या। तो एक रानी बोली अच्छा ठीक है हम चले जाते हैं। तो एक रानी चूहिया के संग चल दी और एक दूसरी रानी राजा के संग रह गई। तो दूसरी रानी को छोड़ के और राजा को छोड़ के चूहिया और रानी आगे आगे चले। अब दोनों आगे जा रहे थे तो उनको मिला एक ढोलची।
नगाड़े वाला बाजा बजा रहा था, डम डमा डम डम डमा डम। बोले अरे भाई तुम इतनी बुरी तरह क्यों नगाड़ा पीट रहे हो? तो भाई बोला क्या करूं, मुझे गुस्सा आ रहा है। बोले किस बात का? बोले इस बात का गुस्सा आ रहा है कि मेरे को कोई नहीं है मेरे घर में, मैं अकेला हूँ, अकेला रहता हूँ। बोले अरे अकेले क्यों रहते हो, ये लो ये रानी ले लो, ये तुम्हारी फ्रेंड बन जाएगी, तुम इसके साथ रहो। रानी और कुम्हार ढोलची संग में चले गए। अब जब ढोलची जाने लगा तो चूहिया ने तो जाने नहीं दिया, कभी उसकी एक ढोलक छुए कभी उसकी दूसरी ढोलक छुए। बोले अरे अरे मेरी ढोलक का पर्दा फट जाएगा, चूहिया क्या कर रही हो? चूहिया बोली अल गई, अल में से दल गई, दल में से लकड़ी लाई, लकड़ी मैंने बुढ़िया को दी, बुढ़िया ने मुझे रोटी दी, रोटी मैंने कुम्हार को दी, कुम्हार ने मुझे मटका दिया, मटका मैंने ग्वाले को दिया, ग्वाले ने मुझे मक्खन दिया, मक्खन मैंने राजा को दिया, राजा ने मुझे रानी दी। ढोलची समझ गया, उसने एक छोटी सी ढोलक चूहिया को दे दी। चूहिया ने मजे से ढोलक टांगी और अपना घूमते घूमते आगे को बढ़ गई। आगे बढ़ी, थक गई थी बेचारी गांव में चलते चलते। रास्ते में उसे एक बहुत सुंदर बड़ा सा सुंदर सा प्यारा सा पेड़ मिला। चूहिया ने देखा वाव ये पेड़ अच्छा है, इस पे चढ़ के मैं सो जाती हूँ। धीरे से ऐसे ऐसे चढ़ी और ऊपर चढ़ के रेस्ट करने के लिए यहाँ सो गई। अब जब चूहिया यहाँ सो रही थी तो क्या हुआ, दो डाकू आए और दोनों बैठ के नीचे पेड़ के हिसाब करने लगे, ये सोना तेरा ये सोना मेरा। चूहिया की नींद खुल गई, ये क्या है, ओ ये तो राजा के ही घर का सोना है, तभी राजा दुखी था। चूहिया ने अपनी ढोल की भड़ाक से नीचे फेंकी, धम से आवाज हुई, डाकू दोनों डर के भागे। चूहिया जल्दी से दौड़ के गई, बोली राजा जी राजा जी। राजा जी बोले क्या है क्या है, क्या बात है चूहिया, मैंने दी तो तुमको रानी, क्यों आए हो? बोले अरे चलो जल्दी, आपका खजाना मिल गया, आपका सारा चोरी का माल मिल गया। राजा जल्दी से अपने सिपाहियों को लेके आया, देखा तो डाकू तो भाग चुके थे और पेड़ के नीचे सारा राजा का सामान था। राजा बहुत खुश हुआ, बोला अरे तुम छोटी सी चूहिया, तुमने तो मेरी बहुत मदद करी, बोलो तुमको क्या हेल्प चाहिए है? राजा बोला कि तुम इतनी अच्छी हो, तुम जो कहोगे मैं दूंगा। बोला और कुछ नहीं चाहिए, मेरी एक बूढ़ी अम्मा है, वो जो बूढ़ी अम्मा रोटी देती थी, बीमार है कुछ काम नहीं कर सकती, आप उसको अपने घर में बुला लो। बोला अच्छा ठीक है, मैं बूढ़ी अम्मा को अपने घर में जगह दे दूंगा। तो राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा और बूढ़ी अम्मा को अपने घर में बुला लिया। बूढ़ी अम्मा राजा के महल में आराम से रहने लगी और रानी लोग उसकी सब ध्यान रखती थी, उसकी सेवा करती थी और चूहिया भी वहाँ रहने लगी। इस तरह राजा के घर में चूहे को भी जगह मिल गई, बूढ़ी अम्मा को भी जगह मिल गई। कहानी खत्म, पैसा हजम। ठीक है बच्चों, अच्छी लगी ना कहानी? तो भूलना नहीं हर बुधवार सब्सक्राइब जरूर करना और फेसबुक पे जो अपर्णा के खिलौने का पेज है ना उसमें जाके लाइक जरूर करना। ओके बच्चों बाय।